गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी व्लॉग्स। एंड अभी हो रहा है गुड मॉर्निंग, मतलब 7 बज रहा है सुबह का। एंड आज डेट है 22 अगस्त और रक्षाबंधन का दिन है, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग सुबह से ही मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कौन आ रहा है, कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी, रक्षाबंधन। सो बस जो भी है, जैसा भी हम करेंगे, कुछ मतलब जो भी जैसा भी हम करेंगे वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। सो मैंने उठते ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। एंड बस मैंने फ्रेश ब्रश किया है और बस ब्रश करती मैं आई हूँ प्रेस करने के लिए। मुझे जो सूट पहनना है उसको मैं प्रेस, मतलब अभी प्रेस कर लेती हूँ। नहाने जाना है, बिकॉज मैं नहा लूँगी सबसे पहले, उसके बाद ही सारे काम, मतलब नहाने से निपट जाऊँ। वैसे भी जो किचन का काम है, खाना वाना सो गाइज मैंने सोचा नहाने जाने से पहले ना मैं छोले बॉयल करने ही रख देती हूँ, बिकॉज छोले बॉयल होने में टाइम लगता है। तो मैंने इसमें एक आलू डाल दिया बिल्कुल, क्योंकि इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। और कुछ लौंग, काली मिर्च एंड दालचीनी, और ये जो बड़ी वाली इलायची होती है ये डाल करके पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी एंड इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तब तक कि मैं आऊँगी ना तो मेरा ये छोले बॉयल होगा तो मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ सब्जी। सो गाइज नहा लिया है एंड बस अब फटाफट से जा रही हूँ किचन में। और बस अभी तो मैंने फ़िलहाल ये कुर्ती डाल ली हुई है और कुछ भी नहीं किया है, बस फटाफट से जा रही हूँ किचन में, जल्दी जल्दी से काम करना है। मेरा ये है कि सबके आने के पहले ना अपना काम फ्री कर लो, बनाने बनाने का, किचन वाला, क्योंकि फिर देखो करना तो खुद ही है अपने आप को, मतलब अपना ही करना है। और किसी के आने के पहले, मतलब सबके आने के पहले खाना वाना निपटा लो ना तो सही रहता है, आराम से बैठो बातें करो। और जब बनाना ही, मतलब बनाना है, टाइम पर बना के फ्री हो जाओ तो बड़ी आराम से सेलिब्रेट करेंगे। सो बस जल्दी से करते हैं तैयारी। छोले देख, आपने देखा कि बॉयल हो गए हैं छोले, मैंने बॉयल करने नहाने के पहले ही रख दिए थे। सो बस ये छोले बॉयल हो गए हैं, फटाफट से जल्दी से चॉपिंग करते हैं और सब कुछ मतलब करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले मेरे बॉयल हो गए हैं और बस मैंने ऑयल गरम कर लिया। और ये ना मेरा क्लिप मुझसे मिस हो गई है, मैंने क्या किया था, प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च इन चारों चीज़ों को मिक्सर में चला लिया था, एक पेस्ट बना लिया था। और बस तेल में मैंने ये तेज पत्ता डाला, जीरा, हींग और वो जो प्याज लहसुन हरी मिर्च एंड अदरक का पेस्ट जो बनाया था उसको डाल करके अच्छे से भून लिया है। एंड उसको भूनने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर और बस थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मसाले डाल करके ना मैं थोड़ी देर इसको, मसालों को भी भूनूंगी। जैसे ही मसाले हमारे भुन जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, बिकॉज छोले हो या पाव भाजी हो या कोई भी पनीर की सब्ज़ी में आप कसूरी मेथी डाल दो ना तो इससे बहुत ही अच्छा एंड बटरी फ्लेवर आने लगता है। और आप मसाला देख सकते हो कि मसाला का कलर देख के आप पता, मतलब देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है। और सब्ज़ी हमारी इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी और बहुत ही मैंने कम तेल मसाले में बनाया था। और बस टमाटर डाल करके, टमाटर की भी मैंने ग्रेवी बना ली थी, टमाटर डालने के बाद अच्छे से भी टमाटर भुन गए हैं। उसके बाद ये जो आलू बॉयल करते टाइम मैंने छोले में मिक्स किए थे वो डाल दूंगी इसमें और उनको अच्छे से मैश कर दूंगी। इससे क्या होता है कि जो छोले की ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है और पानी पानी सा नहीं लगता है और बहुत ही लटपटे से छोले बनते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं। और बस ये छोला मसाला मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया है और देन बस ये जो छोले बॉयल किए हैं हमने वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए खोल आ गया, इसमें ऊपर से डाल दूंगी मैं हरा धनिया और थोड़े थोड़े से छोले भी मैंने मैश कर लिए थे, बिकॉज मुझे थोड़े ना टूटे टूटे और छोले, मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी वाली सब्जी पसंद है। सो बस सब्जी बन के हो गई हमारी रेडी। अब कर लेते हैं भटूरे के लिए आटा गूंथ लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है मैदा एंड मैदा में ही मैं डाल दूंगी थोड़ी, दो तीन मतलब हाफ के जी मैदा में मैंने 2-3 स्पून सूजी डाला था। इससे क्या है ना खुसखुसे और कुरकुरे से बनते हमारे भटूरे। और बस मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, कर्ड एंड 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और बस एक हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें मैं कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर ये सब कुछ नहीं डाल रही हूँ। आप ऐसे ही देखिए कि कितने अच्छे और फूले फूले भटूरे बनेंगे हमारे।
और थोड़ा आप पहले से आटा गूंथ करके रख दीजिए, जिससे कि अच्छा सॉफ्ट हो जाए, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, तो अच्छे बनते हैं और फूले फूले भटूरे बनते हैं। सो ये हमने आटा कर दिया है मैंने, और पुलाव भी बना दिया था मैंने ये साथ में, जीरा राइस टाइप का, जिससे कि छोले के साथ अच्छा लगता है। और शिवम अपना मिठाई लेकर के, एक्चुअली शिवम ने मिठाई ऑर्डर कर दी थी, तो ये मिठाई आ गई, तो इसको मैं खोल के मतलब देख रही थी क्या क्या मंगाया है, काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू एंड ये पाइनएप्पल बर्फी थी। और अब मैं भटूरा सेक लेती हूँ, ये भगवान जी की मैं प्लेट लगाऊंगी, भगवान जी को पहले प्रसाद लगाऊंगी। तो बस ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, मतलब डालते ही भटूरा एकदम फूल गया, सारे भटूरे एक के बाद एक ऐसे फूले फूले बने थे, और बहुत ही ज़्यादा यम बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और बस थोड़ा वोड़ा तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब एक दो चुटकी ही डलता है, लेकिन अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बिना सोडे के भी देखे कितने कुरकुरे और फूले फूले सॉफ्ट एकदम से बने थे हमारे भटूरे। तो मैंने लगा दिया था भगवान जी का प्रसाद। सो बस जैसे ही मैं फ्री हुई, प्रसाद लगा के ये लोग भी आ गए थे, और बस आज ये लोग वैक्सीन लगवा कर आए थे, तो ये लोग थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करने लगे, हैंड वॉश ये सब। तो मैंने बोला मैं जाती हूँ, मैं रेडी होके आती हूँ, मैंने अपना खाना वाना सब करके रख लिया था, भटूरे ही बस सेकने थे, तो मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ। फिर बार बार यहाँ लेकर आओ लेकर जाओ, तो उसमें तो मैं पहले लेकर ही नहीं आती हूँ, एक दो यहाँ रखती हूँ। एक है वो थोड़ी हैवी है, वो करवा चौथ के लिए मैं लेकर आई थी, लेकिन वो मतलब रक्षाबंधन की बहुत हैवी सी लग रही मुझे। मैंने साड़ी मंगाई थी और मम्मी उसका ब्लाउज रखना भूल गए हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने ये सूट पहना है पिंक कलर का। और ये भी मेरा न्यू सूट है, और ये देखिए इसकी डिज़ाइन स्लीव्स की भी सुंदर है ना। सो और पैंट है इसके साथ में, पूरा फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी अभी रेडी होने के बाद, जल्दी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सो गाइज, बस मैंने ये पहना है ये कुर्ता, और कलर इसका इतना प्यारा है मैं बता नहीं सकती, कॉम्बिनेशन ये जो येलो पिंक का बहुत अच्छा है। और बस आज मैं कुछ डिटेल बताने वाली नहीं हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेकअप कर रही हूँ। बस मैंने लैक्मे सीसी क्रीम लगाया है, कॉम्पैक्ट लगाया है, एंड देन आईलाइनर मस्कारा लगाऊंगी, आईब्रोज हल्का हल्का फिल करूँगी, एंड आई मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस हल्का सा शिमरी शेड एक बहुत लाइट था वो लेकर के फिंगर से ही कर लिया था, आई लिप पर टैप टैप, एंड बस ये पिंक कलर का ही शेड मैंने अप्लाई किया था अपने लिप्स पर, पिंक लिपस्टिक एंड पिंक छोटी सी पिंक बिंदी। और बस मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट से, और ये बड़े बड़े से आज मैंने ये झुमका काइंड ऑफ ईयर रिंग्स थे वो पहने थे, और ये सूट के साथ ना बहुत ही अच्छे जा रहे थे। मैंने इनको साड़ी के साथ पहनने के लिए लिया था, बट साड़ी मेरा हो नहीं पाया आज बिकॉज ऑफ ब्लाउज नहीं मम्मी ने भेजा था, भूल गई थी वो, भूल गई होंगी, तो उनको लगा होगा साड़ी में ही रखा है, बट वो साड़ी में नहीं था, दैट्स वाई वो नहीं आ पाया। सो मैंने ये सूट पहना, सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मैंने चूड़ा पहन लिया है बिकॉज वैसे तो रखे ही रहते हैं हम, कभी नहीं पहन पाते हैं। सो बस मैं हो गई हूँ रेडी, एंड बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, अपना पूरा फुल लुक आपको दिखाती हूँ एक बारी। चलिए अब चलते हैं, जल्दी से राखी बांधते हैं, एंड बताना आप मैं कैसी लग रही हूँ। इतना अच्छा लगता है।
अरे सारी फोटो में ऐसे कर रखा है उस दिन की बर्थडे वाले में हमारी राखी वाखी मतलब सब राखी सेलिब्रेशन रक्षाबंधन का एंड अब हम कर रहे हैं पार्टी पार्टी नहीं हम ऊनो खेल रहे हैं। अंशिका थोड़ा रेस्ट कर रही है और हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एंड ऊनो खेल रहे हैं क्योंकि हम सब जब भी मिलते हैं ऊनो खेलते ज़रूर हैं। सो गाइस अभी हो रहा है शाम का 7:30 एंड मैं ना अभी सबको मिल्क पिला कर आई हूँ और आपको दिख रहा होगा बहुत टायर्ड हो गई हूँ आज मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ना मैं जब से अभी मिल रही हूँ आपसे भी कॉल वही 2 बजे करीब मैं तैयार हो रही थी तब मिली थी मैं आपसे तब बात की थी मैंने आपसे एंड बस उसके बाद हमने राखी वगैरह बांधी और इंजॉय किया फ़ोटोज वीडियो यही सब और उसके बाद हाँ खाना वगैरह खाया और बस थोड़ा सा ऊनो भी खेला एंड बस फिर प्रतीक और अंशिका चले गए थे शुभम शिवा मैं और शिवम अतब हम लोग हैं यहीं पर प्रतीक और अंशिका चले गए थे वो लोग निकले थे 6 बजे करीब निकले थे मैं जब से थोड़ा सा मैं बगल में आंटी के पास बैठी थी मतलब वो आंटी हैं उनके पास थोड़ा बैठी आधा घंटे एंड बस फिर अथक को हॉर्लिक्स भी मिल्क पिला करके अभी आई हूँ कि चलो आपसे थोड़ा बात करती हूँ एंड बताती हूँ आज क्या मतलब सब कुछ तो आपने वीडियो में देखा ही है मैंने क्या किया मतलब क्या किया क्या क्या बनाया और कैसे कैसे हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। सो बस यही था शिवम अभी सो गए हैं शुभम भी सो गया है एंड शिवा नीचे है मतलब बिल्डिंग के नीचे वही घूम रहा टहल रहा होगा जो भी है अथर्व बगल में खेल रहा है आंटी के ही घर और मैं बस
सोच रही हूँ कि बस तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। एंड बस यही सब है। और आज का दिन बहुत अच्छा निकला, सब लोग थे यहीं पर तो मतलब बहुत मज़ा आया। ये लोग आए थे मेरा बर्थडे और राखी सेलिब्रेट करने, तो बस हम लोगों ने बढ़िया धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन और खाया पिया मस्ती की, सब कुछ बढ़िया मज़ा आ गया। एंड बस अब थोड़ा लेजी लेजी सा लग रहा है, बिकॉज़ ना कल मैं सुबह 3:30 या 4 के बीच में सोई हूँ, और सुबह मैं 7 बजे उठ रही थी, और जब से मैं लगी ही हूँ मतलब मैं बैठने का भी टाइम नहीं मिला। अभी भी मैं, ये लोग सब लोग गए तो मैं सबको समेट के आई हूँ, और मेरा सूट वगैरह तो भी ऐसे ही पड़ा है, इसको भी अभी तय करके रखना है, मुझे चेंज करना है, फेस वॉश करना है। सो आज थोड़ा ले मतलब आलसता आने लगा है, मतलब नींद भी आ रही है मुझे, लेकिन अभी ये लोग सो रहे हैं। मैं अभी सोच रही थी बना मतलब कुछ बना के रख दूँ रात का डिनर के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ क्या बनाऊँ। ये लोग सो रहे हैं तो क्या बनाऊँ, क्या खाना है, क्योंकि 4:30 4 के बीच में ही खाना खाया है, छोले भटूरे पुलाव मिठाई ये सब कुछ, तो कितना भूख है क्या है, तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँ, इन लोगों से पूछूँ कि क्या मन है खाने का। तो देख अभी मैं रुकी हूँ, भगवान जी को दिया रख के आई हूँ अभी शाम का, कि ये लोग उठें उसके बाद मैं इनसे पूछूँ कि क्या बनाना है क्या खाना है, जो भी मन करेगा वो मैं बनाऊँगी। एंड बस यही है, और यही सब था मेरा आज का ये रक्षाबंधन ब्लॉग। और सूट मेरा कैसा लग रहा था बताना, मैं कैसी लग रही थी बताना, बगल में आंटी और वो शिवांगी जो है वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही थी आप, और एंड बस आप कमेंट करके बताना आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड बस फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल में तो बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड नोटिफिकेशन आएगा आपके पास सबसे पहले, जिससे कि आप मेरे वीडियोस आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं वो सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना अगर आप पहली बार देख रहे हो, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना है कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, आपके मेरे व्लॉग आपको मेरे व्लॉग वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो बस यार यही था आज का ही मेरा रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग, एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।